तो आज GTA 5 में हम लोग एक बहुत ही रेयर मिलिट्री बेस के टैंक को चोरी करने वाले हैं। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी देख सकते हो हम लोग हैं अपने बाइक पे, और भाई इस तरफ अपने राइट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे है वो मिलिट्री बेस, और भाई ये एक अंडरग्राउंड और बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिलिट्री बेस है। तो चलो यार, हम लोग सबसे पहले तो इसके क्लोज चलते हैं, और भाई यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो भाई, इसके गेट पे ही बहुत ही खतरनाक सी सिक्योरिटी है। तो अपनी बाइक को भाई हम लोग इन झाड़ियों के पीछे लगा देते हैं, और देख सकते हो भाई वहां दूर में आप लोगों को कुछ लोग तो दिखाई दे ही रहे होंगे। और भाई अभी हम लोगों को सबसे पहले तो इन लोगों को मारना पड़ेगा अपने इस स्नाइपर गन से। तो गाइस यहाँ पे हमने गन अपनी निकाल दी है, एंड यहाँ पहले बंदे को हमने मार दिया, एंड ये रहा भाई दूसरा बंदा, एंड इसे भी हमने मार दिया, एंड ये तीसरा बंदा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमने इन तीनों लोगों को मार दिया है, और मेरे ख्याल से यार यहाँ पे अभी तो तीन ही लोग थे। और भाई देखो यार, ये मिलिट्री बेस कितना खतरनाक है, एंड यहाँ के भाई इन सीसीटीवी कैमरों को हम लोग भाई तोड़ देते हैं ताकि गाइस हमारा कोई प्रूफ ना मिल पाए इन्हें। तो गाइस यहाँ से हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और गाइस इस तरफ अभी तो हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। तो गाइस हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये जो लोगों को हमने मारा है, हम लोग इनका ड्रेस पहन लेते हैं ताकि भाई हम लोग अंदर जाएं तो हमें कोई पहचाने नहीं। तो चलो गाइस फटाफट हम लोग इस बंदे का ड्रेस पहनते हैं, और भाई अब देख सकते हो यार हम लोग तो बिल्कुल उसी सोल्जर जैसे लग रहे हैं। तो चलो भाई अब हम लोग यहां से अंदर चलते हैं। यहां पे देखो यार, यहां तो क्या गन्स लगे हुए हैं भाई। ये सब गन्स ऐसा ना हो कि हम लोग आगे बढ़े और फायर होने लगे। तो गाइस हम लोग यहां पे इसके साइड से चलते हैं ताकि भाई हम लोग इससे बच पाए। एंड देख सकते हो भाई, इधर से हम लोग इस तरफ आ चुके हैं, एंड यहां से अब चलते हैं इंट्रेंस करते हैं। एंड यार ये कौन सी जगह आ गई है यार, एंड यहाँ पे भाई एक गाड़ी भी है। तो हम लोग भाई लगता है कि इसमें बैठ के जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि यहाँ का रास्ता काफी ज्यादा ही लंबा है। तो हम लोग भाई फटाफट इसमें बैठते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो हम लोग इस टैंकर में बैठ चुके हैं, और भाई यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे यार इसे चलाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, एंड देख सकते हो भाई यहाँ पे एक गार्ड खड़ा है, और भाई ये हमें पहचानेगा या रोकेगा नहीं, क्योंकि भाई हम लोग एक ऑफिशियल टैंकर में हैं। तो चलो गाइस इस टैंकर से हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस इस जगह पे देखो यार, कितनी खतरनाक से भाई गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाइस यहाँ देखो यार, एक से बढ़कर एक यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, और भाई ये सारी की सारी मिलिट्री की हैं। भाई यार इस जगह पे यार बिल्कुल ज़्यादा हमें संभल के रहना होगा। वैसे गाइस अभी हम लोग इस वाली गाड़ी में हैं, तो देख सकते हो कोई भी हमें कुछ बोल नहीं रहा है। वैसे यार ये हमारी तरफ एम कर रहा है, तो हम लोग चुपचाप यहां से आगे बढ़ जाते हैं। और गाइस देख सकते हो वो हमें एम कर रहा था, लेकिन यहां के लोग हमें कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो गाइस यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यार हमें यार उस वाले टैंकर को खोजना है जिसे हम लोग यहां पे लेने के लिए आए हैं। एंड ये जगह देखो भाई, यहां पे सारी हेलीकॉप्टर्स रहती हैं, एंड देख सकते हो भाई यहां पे सारी जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सभी की सभी भाई फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। यहां देखो भाई, ये एक फाइटर प्लेन है, एंड ये भी भाई एक फाइटर प्लेन है। इस तरफ देखो भाई, कितना ज्यादा ह्यूज सा ये हेलीकॉप्टर है। तो गाइस यार हमें तो यार अपनी उस टैंकर को खोजना है जो कि भाई सबसे रेयरेस्ट है GTA 5 में, और भाई वो अभी के टाइम तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और गाइस देख सकते हो यार यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां, मेरे ख्याल से भाई यहीं पे इन गाड़ियों का मैन्युफैक्चर भी होता है। एंड इधर देखो भाई, एक लाइन से टैंकर ही खड़ी हैं, एंड इस तरफ भाई बड़ी वाले टैंकर्स हैं, एंड इधर भाई छोटी सी टैंकर्स हैं। तो गाइस इधर तो यार सारी हमें टैंक सी दिखाई दे रही है, इधर हम लोग चल के देखते हैं। एंड इस लोकेशन पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे भाई कैसे ये लोग रनिंग लगा रहे हैं यार, और भाई देख सकते हो कि ये लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं अपनी किसी लड़ाई की तैयारी करते हुए। तो यहाँ भाई फिर से दोबारा हमें यहाँ पे ट्रेन दिख जाती है, और भाई ये ट्रेन कैसी है यार, मुझे लगता है भाई इसी पे सामान यहाँ से आता जाता होगा। और देख सकते हो भाई यहाँ पे एक मालगाड़ी वाली भी है, तो मेरे ख्याल से भाई इसी में टैंकर्स लोड होके यहाँ से जाते होंगे। तो भाई हम लोग क्या करते हैं यार, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इधर भी हमें भाई अपनी वो टैंकर नहीं दिखाई दी है। तो गाइस इधर से हम लोग अब ऊपर चलते हैं, और भाई मेरे ख्याल से यार किसी और तरफ मिलेगी यार। हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई किसी भी पल इन लोगों को ये पता चल सकता है कि हम लोग भाई असली सोल्जर नहीं है। तो गाइस यहाँ से यार हम लोग किस तरफ जाएं, चलो गाइस हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं इधर जाने का। एंड देख सकते हो भाई
इधर कोई भी गार्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो गाइस इस तरफ, यार कहाँ है हमारी वो टैंकर। गाइस इधर देख सकते हो यार कितने सारे बम वगैरह है, और मेरे ख्याल से भाई हमें इसमें से यार उधर जाना चाहिए। थोड़ा हम लोग इस तरह से टहल लेते हैं, क्योंकि भाई हो सकता है कि लोग हमें ज्यादा शक करें, क्योंकि हम लोग काफी देर से गाड़ी में ही चल रहे हैं। तो गाइस इधर की तरफ भाई दोबारा से हमें ये सारे टैंक्स मिल जाते हैं, और भाई अभी भी हमारा वो रेयर टैंक कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो गाइस इधर से और हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। एंड यहाँ देखो भाई, यहाँ पे कितने सारे चीजों का स्टॉक है। इस तरफ भाई ये रेडियो एक्टिव वाले गैलन्स रखे हुए हैं, और भाई इधर के साइड भी भाई काफी ज्यादा सामान है। और भाई इस तरफ भी हम लोग बढ़ के देखते हैं, और यहाँ देखो भाई आगे तो हमें टैंकर दिखाई दिया था, पर इसके सामने भाई कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। और भाई और कहीं भी आपको ऐसी सिक्योरिटी तो नहीं दिखाई दी होगी। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने हाथ में एक ग्रेनेड लेते हैं, और भाई देख सकते हो यहाँ पे हमने एक ग्रेनेड ले लिया है। एंड इनके तरफ इसे हम लोग फेंक देते हैं, और ये देखो भाई सिट हमने यहाँ पे गलती से यहीं पे फेंक दिया। दोबारा से हमें फेंकना होगा, और वो लोग भी मेरे ख्याल से चौकन्ने हो गए होंगे। और भाई यार वहाँ पे हमने ग्रेनेड तो फेंक दिया है, एंड मेरे ख्याल से भाई ये सारे लोग मारे जा चुके हैं सिवाय इस बंदे के, तो इसे भी हम लोग मार देते हैं। और भाई ये उठ के हमें ही मारने वाला था। तो सामने देखो भाई ये है हमारी वो टैंकर जिसे हमें आज लेके जाना है। और गाइस ये टैंकर कितनी ज्यादा मस्त है, और इसके सामने भी कुछ लोग हैं, तो इन्हें भी भाई हम लोगों ने भून दिया है अपनी गोलियों से। यहां देख सकते हो भाई ये तीनों लोग हमारे पे गन ताने हुए खड़े थे, और इधर ये बंदा भी हमने मार दिया। तो गाइस अब बस हमें इस वाले टैंकर को यहां से लेके जाना है। एंड गाइस ये कितनी ज्यादा रेयर है, आप लोग सोच भी नहीं सकते यार। ये देख सकते हो भाई ये कितनी चमक धमक रही है, और ये एक सिंपल वाली टैंकर, इसीलिए भाई इसे इतना ज्यादा प्रोटेक्शन के अंदर भी रखा गया था। तो चलो गाइस इस शानदार सी टैंकर में हम लोग बैठते हैं, और भाई इसके सामने आप लोग देख सकते हो यार माइक लिखा हुआ है। इसका मतलब कि भाई हो सकता है ये माइक कंपनी की है। एंड ये भाई लॉक थी, इसके लिए हम लोगों ने भाई इसका लॉक तोड़ दिया है। एंड इसमें ये देखो भाई ग्रीन कलर के इसमें ये फायर वाले फ्लेम्स हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इसे हम लोग स्विच भी कर सकते हैं, एंड हम लोग इसे भाई पीछे से भी चला सकते हैं। काफी ज्यादा कूल टैंकर है यार। ऊपर वाला भाई हमारे पे एम किया हुआ है, शायद से भाई ये हमें ऊपर जाने पे रोकेगा, इससे पहले कि भाई वो हमें कुछ करे हम लोग यहाँ पे ऊपर जाके उसी को मारने वाले हैं। और भाई काफी ज्यादा मुश्किलों से हमने यहाँ पे इस टैंकर को ऊपर निकाल लिया है। वैसे गाइस इसे यार इसके ऊपर चढ़ाने में काफी ज्यादा ही मुश्किल हो रही है। एंड शायद से अब हमें यहाँ से राइट घूमना है। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग तेजी से इसे राइट घुमाते हैं, एंड बस यार ये वाला रास्ता खुल जाए। एंड फाइनली गाइस हमने यहाँ पे इसे ऊपर निकाल लिया है। एंड गाइस ये सारे लोग हमारे पे गन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भाई ये लोग हमारे पे गन क्यों नहीं फायर कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। शायद से भाई ये लोग इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहते हैं। तो चलो यार इसे हम लोग तेजी से यहाँ से ऊपर निकालते हैं। भाई शायद हम लोगों ने इसे फाइनली बाहर निकाल लिया है। एंड देख सकते हो भाई बस हमें यहाँ से एक टर्न ऑन लेना है। और गाइस हमारी ये टैंकर देख सकते हो फाइनली आ चुकी है इस बेस से बाहर। और गाइस हमारे पीछे तो यार 5 स्टार की पुलिस लग गई है। सेट यार हमें यहाँ से तेजी से निकलना होगा। वैसे गाइस मेरे ख्याल से यार ये टैंकर बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ होगी, क्योंकि गाइस देख ही सकते हो यार ये कितनी ज्यादा मजबूती से बनाई गई है। एंड यहाँ अभी तो भाई आसपास कोई भी पुलिस नहीं दिखाई दे रहा है, पर सामने देखो भाई ये हमारा कर रहा है इंतजार। तो हम लोग भाई इसे बढ़िया से सबक सिखाते हैं। एंड हमने भाई इस पे मस्त ये फ्लेम चला दिया, एंड देख सकते हो भाई इसका तो स्वाहा हो चुका है। तो चलो यार अब हम लोग इस टैंकर को फटाफट इन लोगों से थोड़ा पंगा लेते हैं। एंड यहाँ देखो भाई हम लोग इन्हें कितनी आसानी से मार सकते हैं। भाई ये वाला फ्लेम यार काफी ज्यादा ही शानदार है, हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। एंड सामने फिर से भाई कुछ पुलिस वाले हैं, तो चलो भाई इन्हें हम लोग दोबारा से सबक सिखाते हैं। एंड देखो यहाँ हमने अपना ये फ्लेम चालू कर दिया है, एंड ये देखो भाई कैसे भाई मेल्ट हो जा रही है इन लोगों की कार। तो चलो यार अपनी इस वाली टैंकर को अब हम लोग धीरे धीरे घर पे लेके चलने की कोशिश करते हैं। ये लोग क्यों ही आए हैं यार हमें पकड़ने के लिए। आखिरकार भाई हमारे पास ये माइक वाली टैंकर है, और इसे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। एंड देख सकते हो इतनी खतरनाक गाड़ियां भी भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तो चलो गाइस फटाफट हम लोग
इसे लेके सबसे पहले कहीं छुपते हैं ताकि भाई ये 5 स्टार की पुलिस हट जाए एंड उसके बाद इसे ले चलते हैं अपने घर पे। तो भाई ये हमने ले आ दी है अपनी इस शानदार सी टैंकर को अपने घर पे। तो इसे गाइज अब हम लोग फटाफट यहाँ लगाते और भाई ये टैंकर तो यार कितने बिलियंस में बिकेगी आप लोग सोचो एक बार। तो गाइज इसे हम लोग यहाँ लगाते हैं सिंपली एंड अब देखो भाई इसका लुक आप लोग गाइज यहाँ पे देख सकते हो। दोनों तरफ भाई 4 4 टायर्स दिए गए हैं और गाइज इसके ऊपर हम लोग चढ़ के देखते हैं। ये देखो भाई कितनी ज्यादा साइन कर रही है गाइज। सच में यार ये टैंकर काफी ज्यादा ही मस्त है। इसके पीछे भाई ये एक गन का मशीन है एंड इसके आगे भी भाई गन है। तो चलो गाइज अब हम लोग इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोगों को भाई ये शानदार सी टैंक कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना और भाई इस वीडियो पे एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्लेइंग।